शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भैया रे भैया, अपनी प्यारी साली आशी ने चला दी। भैया रे भैया, फैंटास्टिक। बहुत रोई हूँ मैं तेरी वजह से आशी, अब मैं तो जरूर लाऊंगी, है ना? इतना तो बनता है यार। आ रही है दादी, शुरू हो गई तेरी बर्बादी। दादी, बाबा, काकी, निधि विद्या आ जाइए प्लीज। आशी, अरे ओ आशी। जी दादी। लापरवाह कामचोर लड़की। क्या हुआ दादी? ये कहाँ है? एक साड़ी भी ढंग से इस्त्री नहीं कर सकती तुम? पुश्तैनी साड़ी थी हमारी। अरे ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा आजकल? ओह नो, ये साड़ी कैसे जल गई? इसे तो आशी प्रेस कर। इसका मतलब ये तुमने जलाई है? इसी ने जलाई है, इसको लगा होगा। साड़ी तो पुराने जमाने की है, पुरानी फैशन की है, नहीं पहननी, इसे तो जला दी। दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो जब आए थे तो हमने प्रेस साइड में रख दी थी। साइड में रखी थी तो क्या खुद ब खुद उड़ के इसके ऊपर आके गिरी? ओह गॉड, फिर से नया ड्रामा। दादी आपको साड़ी चाहिए ना, मैं अपने वेंडर को कह के सेम साड़ी आपके लिए बनवा दूंगा। लेकिन इस साड़ी के साथ हमारी यादें, भावनाएं, प्यार, हमारी खानदानी कहाँ से आएगी जो इस साड़ी से जुड़ी हुई है? दादी प्लीज, इस घर के लोगों के मुंह से प्यार, भावनाएं, यादें, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अब टावर जैसे क्यों खड़ी है? नाश्ता परोस सबको। सॉरी दादी। सॉरी। हमको है वो मूंगफली की वो एलर्जी है। अम्मा, क्या हुआ अम्मा? अमृता, जब तुम्हें मालूम है कि अम्मा को एलर्जी है तो मूंगफली क्यों डाली? अरे हमने नहीं डाली खाना, हमने नहीं, आशी ने बनाया। क्यों आशी, अम्मा जी ने जरा सा डांट क्या लिया? तुम तो बदला लेने पर उतर आई। तुम जानती हो अम्मा जी की सांसें अटकती है मूंगफली खाने से, तो फिर क्यों किया ये सब? दादी, बाबा कुछ कीजिए ना प्लीज बाबा। काकी, I'm sorry please। हमको लगता है हमसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए हमको। हम कुनाल के लिए पोहा बना रहे थे, शायद गलती से सब्जी में मूंगफली। प्लीज सॉरी बाबा, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना, प्लीज कुछ कीजिए। नहीं अम्मा जी, आप डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे। मिता कैसी बात कर रही हो? अम्मा की तबीयत खराब हो रही है, तुम तेरी डॉक्टर को ना बुलाओ। आप शायद भूल गए अमित जी, लेकिन हम नहीं भूले। अम्मा जी को अंग्रेजी दवाइयाँ सूट नहीं करती हैं, उन्हें बस आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज ही सूट करते हैं, तो बस अम्मा जी के लिए देसी तरीका ही अपनाएंगे हम। काकी, दादी को एलर्जी हुई है, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा ना। ये सारा कांड ना तुम्हारी वजह से मचा है, इसलिए कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अम्मा जी को अंदर ले चलो, चलो जल्दी। अरे ये बुढ़िया तो बहुत भारी है। आशी, हमारी हेल्प कर दो ना प्लीज। संभल के बेटा, आराम से। आशी सुनो, अम्मा जी के पलंग के चारों ओर ना वो गोबर का लेप लगा दो। हाँ, और दरवाजे पे भी नीम की पत्ती। चल जल्दी कर।
पर काकी माँ अभी दादी को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये गोबर और ये सब से तो। हाँ माँ, ये कैसी पुरानी सोच है, मतलब पता है दादी को एलोपैथी पसंद नहीं है, बट माँ प्लीज बी प्रैक्टिकल, हम डॉक्टर को बुलाते हैं प्लीज। हम जो कह रहे हैं उतना करो, हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। चलो जाओ आशी की मदद करो। और विद्या तुम? क्यों माँ, मुझे तो बोलना भी मत, मुझसे तो उसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो उसके आने से पहले ही जा रही हूँ। और आप हमारे साथ चलिए, वैद्य जी के पास होते हुए आएंगे। हाँ, अम्मा जी के लिए आयुर्वेदिक दवाई लेनी है, और आते आते मंदिर भी जाएंगे, महामृत्युंजय का पाठ करेंगे फिर आएंगे। अमृता, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अम्मा जी को डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। हम कह रहे हैं ना आपसे, हमसे बेहतर अम्मा जी को कोई नहीं जानता, हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारी एक बात सुन लो, अगर इस चक्कर में अम्मा जी को कुछ हो गया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं आशी कहाँ रह गई, जल्दी लाना, कितनी देर लगा दी, चल फटाफट लगाते अब। ए लड़की, फोन कहाँ है तुम्हारा? वो रखा है। दादी इधर देना, फोन ले जा रहे हैं तुम्हारा, समझी, ताकि हमारे पीछे कोई बेवकूफी ना करो तुम। कुणाल बेटा, इस लड़की पर नजर रखना, आप चलिए। ओहो आशी, तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा साथ नहीं देती, हमेशा दूसरों की गलती की सजा तुम भुगतती रहती हो। राम जी प्लीज दादी को ठीक कर दीजिए, हमारी गलती की सजा उनको मत दीजिए राम जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे हमारी दादी ठीक हो जाए, प्लीज राम जी प्लीज। आशी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर गलती के लिए खुद को क्यों गुनहगार समझती हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हुआ वो किसी ने जानबूझकर किया हो, तुम्हें फंसाने के लिए जो भी हुआ वो गलती से हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे तुम पे इतना विश्वास है, मैं जानता हूं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें पहले से पता था ना कि दादी को पीनट से एलर्जी है, और ये जानते हुए भी तुम ऐसी गलती से भी गलती कर दो, और वो भी ऐसी गलती जिसे दादी की जान पे बना है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती आशी। मैं जानता हूं मेरी आशी कभी गलत हो ही नहीं सकती। रो मत, और तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग रहना है ना राशि, तुम जानती हो ना माँ को, काकी को, उनकी सोच सबसे अलग है। हाँ तुम भी ठीक हो, दादी को एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तुम कॉल कर दो। काकी माँ ने हमारा फोन रख लिया, हम कैसे कॉल करें? तो कोई नहीं, तुम मेरे फोन से कर लो। आशी, तुम डॉक्टर से बात कर लो और मैं अपनी फैमिली डॉक्टर को लेके आता हूँ। वाह, वहां दादी की तबीयत खराब है और तुम दोनों यहाँ प्यार के पंछी गुटरगू कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कुणाल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सही तो हम समझ अभी रहे हैं, देखा नहीं हमने कैसे ये तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ पे खड़ा हुआ था, और अब तुम अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए हमें अंधा कहोगी, है ना? बोलो बोलो बोलो। कुणाल, हम कह रहे हैं तुम गलत समझ रहे हो, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, और वो भी हम दादी के लिए। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें दादी की फिक्र है,
तुम जैसी लड़कियां ना कुंदन, बस एक और शब्द नहीं। वरना क्या करेगा तू? चुप हो जा कुनाल, क्या कर रही हूँ कुनाल?